दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनने की चाह रखने वाले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का देश तुर्की उसके दोस्त पाकिस्तान की इतने गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई दर 21 को पार कर गई है। खाने पीने के सामान की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सब्सिडी पर सस्ती ब्रेड खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। तुर्की में ब्रेड लोगों के कल्चर का हिस्सा है और लगभग हर खाने के साथ ब्रेड परोसा जाता है। तुर्की के हालात आने वाले दिनों में और भी भयानक हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति एर्दोगन इकोनॉमिक थ्योरीज के विपरीत चल रहे हैं। वे ब्याज दरों में लगातार कटौती कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे महंगाई को 4% पर ले आएंगे। तुर्की में 2018 में भी कुछ इसी तरह का संकट देखने को मिला था, लेकिन तब इसकी वजह अमरीकी प्रतिबंध थे। वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एर्दोगन की मनमानी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से डुबो डालेगी। तुर्की की करेंसी लीरा बीते एक महीने में डॉलर के मुकाबले 50% कमजोर हो चुकी है। 20 नवंबर 2021 को डॉलर के मुकाबले लीरा का भाव 11.23 था, जो 20 दिसंबर को 16.76 हो गया। एक साल पहले डॉलर के मुकाबले लीरा का भाव 7.66 था। इंडियन करेंसी से लीरा की तुलना करें तो 20 नवंबर को एक लीरा का भाव 6.62 था, अब ये 4.54 पर आ गया है। यानी एक महीने पहले करेंसी एक्सचेंज कराने पर 100 लीरा 662 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब ये 454 रुपए में ही मिल जाएगी। 2007 से लेकर 2008 तक लीरा काफी मजबूत थी। उस समय 100 लीरा करीब 3700 रुपए में मिलती थी। यानी उस समय भारतीयों के लिए तुर्की में शॉपिंग करना, घूमना फिरना काफी महंगा था। करेंसी में भारी गिरावट का मतलब है कि इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में तुर्की में इंपोर्ट घट गया है और सामान की शॉर्टेज पैदा हो गई है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जनवरी 2021 में तुर्की में साल दर साल आधार पर महंगाई दर 14.97% थी, जो नवंबर 2021 में बढ़कर 21.31% हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई के अनऑफिशियल आंकड़े इससे दोगुने के करीब है। महंगाई के इतने ज्यादा बढ़ने से यहाँ आम लोगों को खाने पीने का सामान और फ्यूल और दवाइयों को लेकर अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। आलू, आटा और चिकन जैसी खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। तुर्की की इकोनॉमी आयात पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए लीरा के मुकाबले डॉलर के बढ़ने का कंज्यूमर प्रोडक्ट की कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सुपरमार्केट में सामान की कीमतें लगातार हर रोज बदल रही है। सब्सिडी वाले ब्रेड लेने के लिए कतारें बढ़ रही है। तुर्की में ब्रेड को लगभग हर मील के साथ सर्व किया जाता है। ऐसे में ग्रोसरी स्टोर ओनर्स को फिक्स प्राइस पर ब्रेड बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ब्रेड की कीमतें चैम्बर ऑफ बेकरीज ने सेट की है, लेकिन ज्यादातर बेकर्स का कहना है कि यह आदेश सरकार की तरफ से आया है। तुर्की में आसमान छूती कीमतें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए परेशानी बढ़ा रही है। लीरा की कीमतों में जिस तेजी से बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से वहां के दुकानदारों और टैक्सी ड्राइवरों ने पर्यटकों से यूरो में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि तुर्की की आर्थिक समस्याओं की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन हालिया संकट राष्ट्रपति एर्दोगन ने खड़ा किया है, जो लगातार बढ़ रही महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को कम करते जा रहे हैं। महंगाई दर डिमांड सप्लाई के मिसमैच से प्रभावित होती है। जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होता है तो सामान और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में अगर डिमांड के मुताबिक सप्लाई न हो तो कीमतें बढ़ने लगती है। मगर इस संकट से उबरने के लिए एर्दोगन की अपनी एक इकोनॉमिक फिलोसफी है, जो किसी भी अर्थशास्त्री से उलट है। वह महंगाई के बढ़ने के बाद भी लगातार ब्याज दर को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन ब्याज दरों में बढ़ोतरी को एक ऐसी बुराई के तौर पर देखते हैं जो अमीर को और अमीर, जबकि गरीब को और गरीब बनाती है। एर्दोगन का तर्क है कि कम ब्याज दरें कंज्यूमर को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे व्यापारी ज्यादा लोन लेते हैं और अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि डॉलर के मुकाबले लीरा के लगातार कमजोर होने पर एर्दोगन का तर्क है कि इससे दुनिया के लिए तुर्की के सामान का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इससे विदेशी खरीदार ज्यादा आकर्षित होते हैं।